आवाज आ रही है आपको? कह रहे नहीं। ओके, ग्रेट, वेलकम बैक। टुडे विल बी टॉकिंग चार्ल्स हेडीज बेस्ट फिट मॉडल और अडेयर्स एक्शन सेंटर्ड मॉडल। हम कंटिजेंसी थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे और कंटिजेंसी थ्योरीज के अंदर हमने दो थ्योरीज को डिस्कस किया था। सो फार वी टॉक्ड अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी एंड वी टॉक्ड अबाउट फीडलर मॉडल। हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच भी वही फिनोमेना लेके आती है कि लीडर का एक स्टाइल होता है। दैट स्टाइल कैन रेंज फ्रॉम ऑटोक्रेटिक स्टाइल टू अ डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्क सिचुएशन। और हैंडीज जो है ये वर्क सिचुएशन को डिफाइन करता है तीन चीजों के ऊपर। द पर्सनैलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, हाउ विजिलेंट एंड हाउ appropriate the subordinates are in terms of the task and in terms of the performance. The task itself, काम की माहियत क्या है, काम कितना structured, वो फील्डर का मॉडल अगर आप रिकॉल करें तो काम कितना structured है या कितना unstructured है। And then the environment, किस environment में इदारा काम कर रहा है in terms of organizational structure, culture, norms, organization के जो operations हैं वो, तो पूरी environment जो है आपकी ये भी डिस्कस की जाती है। सो हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच डिटरमिन द कंटिजेंसी मॉडल के लीडरशिप स्टाइल जो है उसका हमने बेस्ट फिट डिटरमिन करना होता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई अ बेस्ट फिट। इसमें वो कहते हैं चार फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस बेस्ट फिट को डिटरमिन करने में। द लीडर हिमसेल्फ, लीडर की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका करेक्टर कैसा है, उसका प्रेफर्ड स्टाइल क्या है लीडरशिप का, ऑटोक्रेटिक स्टाइल प्रेफर करता है या डेमोक्रेटिक स्टाइल प्रेफर करता है। तो जो चार फैक्टर्स हैं उसमें पहला फैक्टर तो लीडर हिमसेल्फ है, बताते खुद लीडर जो है वो किस किस्म का स्टाइल प्रेफर करता है, उसको सबॉर्डिनेट्स कैसे मिले हुए हैं, सबॉर्डिनेट्स की पर्सनैलिटीज कैसी हैं, टास्क की नेचर क्या है और एनवायरनमेंट कैसी है। सो लीडरशिप स्टाइल जो है दैट कैन रेंज बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, डोमिनियरिंग से डेमोक्रेटिक तक, अथॉरिटेरियन से। सो लीडर स्टाइल इज नॉट नेसेसरली वन और द अदर, इट इज समवेयर बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। इसको वो स्पेक्ट्रम कहते हैं, दे कॉल इट अ स्पेक्ट्रम। देखा, ये टाइट स्पेक्ट्रम है और ये फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो एरो है ये स्पेक्ट्रम है। तो लीडर यहाँ भी हो सकता है, 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 वेयर एवर द अ लीडर माइट फॉल। ठीक है ना, हम दो एक्सट्रीम्स को डिस्कस कर लेते हैं और उन दो एक्सट्रीम्स के साथ फिर हम बेस्ट फिट मॉडल को डिटर्मिन करते हैं। So according to Charles Handy, the leadership style can range from autocratic and democratic. The characteristics of subordinate in a group can range between low self-opinion and high self-opinion. Low self-opinion वाले जो लोग हैं, they prefer autocratic style. They want to do what they are told to do. और high self-opinion वाले जो लोग होते हैं, they are by default theory Y के लोग होते हैं. They like challenging work. They like freedom from supervision. इसी तरह टास्क जो आपको दिया जाता है वर्क ग्रुप को, इट कैन रेंज बिटवीन ऑल रूटीन टास्क, रेपिटेटिव टास्क एट वन एक्सट्रीम टू ऑल कॉम्प्लेक्स वर्क एट द अदर एक्सट्रीम। तो हम तीन चीजों की बेस पे एनवायरनमेंट को हम मिस कर देते हैं, हम इसमें से एनवायरनमेंट को निकाल देते हैं। हम तीन चीजों की बेस पे लीडर, सबॉर्डिनेट और टास्क, लीडर, सबॉर्डिनेट और टास्क, इन तीन चीजों की बेस पे हम बेस्ट फिट को डिटरमिन करते हैं दैट व्हाट इज द बेस्ट फिट। टास्क अगर रूटीन नेचर का होगा तो सबॉर्डिनेट्स भी लो सेल्फ ओपिनियन वाले होने चाहिए और लीडर को भी ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। या अगर सबॉर्डिनेट्स लो सेल्फ ओपिनियन के हैं तो टास्क उनको ऐसा सौंपना चाहिए जिसमें इनिशिएटिव कम हो, जिसमें रूटीन और रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क ज्यादा हो, और लीडर को भी ऑटोक्रेटिक होना चाहिए। इसी तरह अगर लीडर डेमोक्रेटिक होगा तो उनको सबॉर्डिनेट्स भी वो चाहिए जिनकी सेल्फ ओपिनियन हाई है, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो सेल्फ एफिकेसी में हाई हैं, और फिर काम भी उनको ऐसा सौंपना है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जिसमें टाइम स्केल ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है।
सो बेसिकली हैंडी बेस्ट फिट मॉडल ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन में हमें बेस्ट फिट तलाश करना होता है, हमें किसी भी सिचुएशन में बेस्ट फिट तलाश करना है बिटवीन लीडर सबऑर्डिनेट्स एंड टास्क। एनवायरनमेंट को हम स्पेक्ट्रम पे नहीं लेके आते क्योंकि एनवायरनमेंट जो है दैट इज नॉट अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर टू एन ऑर्गेनाइजेशंस टास्क। हम ये सारे इंटरनल फैक्टर्स को देख रहे हैं, लीडर भी इंटरनल है, सबऑर्डिनेट भी इंटरनल है और टास्क भी इंटरनल है। सो बेस्ट फिट अकर्स व्हेन ऑल ऑफ दीज थ्री आइटम्स लीडर सबऑर्डिनेट एंड टास्क आर एट द सेम पोजीशन ऑन द स्पेक्ट्रम। बेस्ट फिट कहाँ पे आएगा, जब फॉर एग्जांपल ये दो एक्सट्रीम्स है ना, लाइक ये एक बेस्ट फिट है, इसी तरह फॉर एग्जांपल दिस कैन बी अ बेस्ट फिट अगर ये तीनों के तीनों चीजें यहाँ पे अलाइन हो जाए, दिस कैन बी अ बेस्ट फिट अगर लीडर भी यहाँ पे अलाइंड है, सबऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे अलाइंड है और टास्क भी यहाँ पे अलाइंड है। इसी तरह फ्लेक्सिबल एंड के ऊपर ये बेस्ट फिट है, दिस इज द बेस्ट फिट ऑन द फ्लेक्सिबल एंड, ये यहाँ पे बेस्ट फिट है। तो बेस्ट फिट का मतलब है कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन द लीडर द सबऑर्डिनेट्स एंड द टास्क। हैंडीज बेस्ट फिट मॉडल अभी तक पेपर में आया नहीं है कभी, इट्स अ वेरी स्मॉल थ्योरी, बड़ी छोटी सी थ्योरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो चार्ल्स हैंडी जो है, ये हैंडी वही है जो हमने पढ़ा था फिफ्थ चैप्टर में, हैंडीज की टाइप्स ऑफ कल्चर याद है, वो रोल कल्चर, टास्क कल्चर, पावर कल्चर एंड एग्जिस्टेंशियल कल्चर, पर्सन कल्चर। तो ये वही वाला हैंडी है। चार्ल्स हैंडी जो है इसने लीडरशिप स्टाइल्स पे भी काम किया था, इसने कल्चर पे, मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया था। चार्ल्स हैंडी के मुताबिक चार फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं लीडर की इफेक्टिवनेस को, द लीडर हिमसेल्फ, हिज सबऑर्डिनेट्स, द टास्क ही इज परफॉर्मिंग एंड द एनवायरनमेंट ही वर्क्स इन। ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि लीडर की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करते हैं। और लीडर का जो स्टाइल है इट रेंजेस बिटवीन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। लीडर स्टाइल इज नॉट नेसेसरली वन और द अदर, बट रादर ये एक स्केल पे है, ये स्केल भी कहीं भी हो सकता है। It can be anywhere on the scale. ये उस स्केल के ऊपर ये कहीं भी हो सकता है, ठीक। इसी तरह सबऑर्डिनेट्स कैन बी ऑफ लो सेल्फ ओपिनियन, कैन बी ऑफ हाई सेल्फ ओपिनियन। लो सेल्फ ओपिनियन वाले जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर लाइक्ड टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, दे प्रेफर ऑटोक्रेटिक लीडर, दे सी देयर वर्क एज अनइंपॉर्टेंट, थ्योरी एक्स वाले होते हैं। और थ्योरी वाई के जो लोग हैं इनका सेल्फ ओपिनियन बहुत हाई होता है, चैलेंजिंग काम पसंद करते हैं और ये प्रेफर करते हैं कि इनको डेमोक्रेटिक लीडर दिया जाए। अच्छा, चार्ल्स हैंडी के मुताबिक आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एनी। फॉर एग्जांपल अगर एक लीडर का प्रेफर्ड स्टाइल ऑटोक्रेटिक है, इफ अ लीडर हैज अ प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ ऑटोक्रेटिक, तो यू विल मेक श्योर कि आप इस लीडर को सबऑर्डिनेट्स भी वो देंगे जिनका सेल्फ ओपिनियन लो होगा और इनको काम भी वो देंगे जो रेपिटेटिव नेचर का होगा, रूटीन टास्क। या अगर फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉई से स्टार्ट कर लें, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका सेल्फ ओपिनियन बहुत हाई है, मोटिवेटेड लोग हैं, चैलेंजिंग लोग हैं, तो इन लोगों पे फिर आप ऐसा लीडर अपॉइंट करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक स्टाइल होल्ड करता होगा और इन लोगों को काम भी आप वो देंगे जो कि रेपिटेटिव नेचर का नहीं होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर करता होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग रिक्वायर करता होगा, ये काम आप देंगे इन लोगों को। So you will give these people such a work जिसके अंदर problem solving, repetitive nature of work नहीं है बल्कि problem solving ज़्यादा है। You see, you clear theory, it's a very simple theory. तो basically handy कहते हैं कि किसी भी work situation में हमें best fit create करना, और ये best fit जो है ये कब आता है, जब तीनों items एक single dimension में, एक single position पे exist करें। However, if there is a mismatch on the spectrum, subordinates and task, then you will change any of these to create a new best fit. For example, वक्त के साथ साथ subordinates जो हैं experienced हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ subordinates skilled हो रहे हैं और low self opinion से convert होके high self opinion पे आ गए, तो अब आपको भी फिर अपना style change करना पड़ेगा, आपको भी अब डेमोक्रेटिक स्टाइल पे आना पड़ेगा और आपको फिर उनको टास्क भी अपडेट करना पड़ेगा, आपको उनको काम भी अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का देना पड़ेगा। सो जब भी कोई मिसमैच क्रिएट होता है इस स्केल के ऊपर, आप नया मैच क्रिएट करते हैं, नया बेस्ट फिट क्रिएट करते हैं। क्लियर है, एनी क्वेश्चन? तो यहाँ पे हमारी तीनों कंटिजेंसी थ्योरीज पूरी हो जाती है। पहले हमने पढ़ा फ्रेड फीडलर का मॉडल, फिर हमने पढ़ा हर्शे एंड ब्लैंकर्ड SLT सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, and today we discussed Charles Handy's best fit model. और इन तीनों मॉडल में से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके लिए तो वो फीडलर का मॉडल है। फीडलर में क्वेश्चन आने के बड़े वसी चांसेस हैं एग्जामिनेशन में।
इसके बाद आती है लीडरशिप क्वालिटीज। अभी हमने बात की है लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर, थ्योरीज फोकस करती है स्टाइल्स पे। थ्योरीज जो है ये डिटरमिन करती है कि लीडर का स्टाइल क्या होगा, लीडर कैसे काम करेगा। इसके बाद जो अगला फिनोमेना है, दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की खूबियाँ क्या होती हैं, उसके पास क्वालिटीज क्या होती हैं, वॉट लीडर्स रियली डू। अडेयर का मॉडल पेपर में अभी 11 नंबर का सवाल आया था, अडेयर एक्शन सेंटर्ड के ऊपर। क्वेश्चन वर्थ 11 मार्क्स इन सेप्टेम्बर। क्वेश्चन नंबर जो है दैट वॉज ये क्वेश्चन था पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। जॉन अडेयर्स एक्शन सेंटर्ड मॉडल के मुताबिक 3 एस्पेक्ट्स मेंशन करने थे, और फिर उन तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए लीडर के पास, वो डिफाइन करने थे। 8 नंबर, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अडेयर, जॉन अडेयर जो है इसने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसे इसने नाम दिया एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। इसने कहा कि इफेक्टिव लीडर्स जो होते हैं इनकी फुल कमांड होनी चाहिए 3 एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप के ऊपर, टास्क, टीम और ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। एक लीडर जो है इसे हम एक्शन सेंटर इसलिए कहते हैं कि ये एक वेन डायग्राम है, ये टास्क है, ये टीम है और ये इंडिविजुअल है, एंड लीडर शुड वर्किंग ओवर हियर। ये एक्शन सेंटर कहलाता है, इसे एक्शन सेंटर कहते हैं। अगर एक लीडर यहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो टास्क फोकस्ड भी है और वो टीम की नीड्स का भी ख्याल रखा है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स को इग्नोर कर रहा है। अगर एक लीडर यहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो टास्क और इंडिविजुअल्स का तो ख्याल कर रहा है, वो एज अ टीम यूनिटी बिल्डिंग कर रहा है। अगर एक लीडर यहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो सिर्फ टीम और इंडिविजुअल्स का ख्याल कर रहा है, वो टास्क को इग्नोर कर रहा है, तो ये एक्शन सेंटर कहलाता है। इस वेन डायग्राम का जो सेंटर है उसे हम एक्शन सेंटर कहते हैं। इस डायग्राम के मुताबिक लीडर शुड बी वर्किंग ओवर हियर, लीडर को इस एक्शन सेंटर में काम करना है। That's why we call it action center. तो जॉन अडेयर के मुताबिक लीडरशिप जो है इट मस्ट हैव फुल कमांड ऑन 3 एस्पेक्ट, अचीविंग द टास्क एंड मीटिंग द टास्क डिमांड्स, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग टीम और ग्रुप, मैनेजिंग इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो एक अच्छा लीडर जो है वो इन तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस में रखता है। अडेयर ने कहा था कि किसी भी वर्क सिचुएशन में एक लीडर को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो एक या दो या तीनों स्किल्स को यूज करें, ठीक है ना। हाउएवर पर्टिकुलर स्किल्स दैट आर नीडेड टू डील विद एनी गिवन सिचुएशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बट ये अहम मुमकिन है कि एक ही वक्त में आपके तीनों स्किल्स को यूटिलाइज करने को कहा जाए, या एक ही वक्त में आपके तीनों स्किल्स यूज करवाए जाए, ठीक है ना। इफेक्टिव लीडर नीड्स टू हैव गुड स्किल्स इन ऑल ऑफ दीज 3 एरियाज। अडेयर ने कहा था कि इन तीनों एस्पेक्ट में लीडरशिप स्किल्स जो है दैट कैन बी लर्न थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोगों को ट्रेन करके डेवलप करके तीनों एरियाज में एक्सपर्ट बना सकते हैं। यू हैव कंप्लीट लिबर्टी टू टर्न पीपल टू बी मोर एक्सपर्ट इन टीम एंड इंडिविजुअल स्किल्स मैनेजमेंट एंड इन टास्क मैनेजमेंट। समटाइम लीडर मस्ट शो वन ऑफ द लीडरशिप स्किल टू डील विद द प्रॉब्लम, समटाइम ही मस्ट शो 2 ऑफ द स्किल एंड समटाइम ऑल ऑफ द 3 स्किल्स। तो एक्शन सेंटर्ड मॉडल ये कहते हैं कि लीडर शुड ऑपरेट हियर, दिस इज वेयर द लीडर शुड ऑपरेट। यहाँ पे ऑपरेट करना है लीडर, ये लीडर के ऑपरेट करने का एरिया है विच इज द एक्शन सेंटर। ये 3 नंबर का पार्ट था। पहला पार्ट ये था कि वो कौन कौन से 3 स्किल्स हैं जो लीडर ने शो करने हैं, तो ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। और दूसरा पार्ट ये था कि फिर इन तीनों एरियाज के अंदर व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स द लीडर शुड पोजेस, ये पूरा टेबल रिप्रोड्यूस करना था। This whole table was asked to reproduce. Task के लिए लीडर की क्या जिम्मेदारियां हैं, टीम की तरफ लीडर की क्या जिम्मेदारियां हैं, और इंडिविजुअल्स की तरफ एक लीडर की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो a leader has multiple roles and multiple responsibilities towards the task overall, towards his team and towards individuals. For example, task की तरफ लीडर के स्किल्स क्या होने चाहिए, लीडर शुड बी एबल टू डिफाइन द टास्क एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, लीडर शुड बी एबल टू मेक अ प्लान टू अचीव दिस टास्क। लीडर का काम है कि इसने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्स एलोकेशन करनी है। ये लीडर का काम है कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप मेंबर्स की डिवाइड करनी है, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट करने हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट्स ऑफ द टारगेट्स,
परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यू सी आई कैन वेरी क्लियरली सी ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये टास्क की तरफ एक लीडर की जिम्मेदारी को हाईलाइट कर रहे हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन व्हिच अ लीडर शुड बी एक्सपर्ट व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स जिसमें एक लीडर के पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए टास्क के हवाले से तो उस टास्क उसे क्लैरिटी हो गोल्स की ऑब्जेक्टिव्स की he must be knowing how to make a plan to achieve the task he must be able to allocate appropriate resources he must be able to establish responsibilities for group members set performance targets establish reporting system control actual performance and also compare it with the budgeted performance isi tarah team ki taraf ha bilkul bilkul exactly mbo hai na basically mbo wala ek phenomenon hai exactly jab aap task set kar rahe hain to aap logon ke sath usko कोऑपरेट कर कर रहे हैं बिल्कुल और पीटर ड्रकर की जो पहले चैप्टर की जो थ्योरी थी उसके साथ भी अलाइंड है कि पहले चैप्टर में ड्रकर ने यही कहा था कि आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फिर आप रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो मोर और लेस वही वाला फिनोमेना है टीम की तरफ लीडर की क्या जिम्मेदारी है अच्छा टीम अभी हमने चूंकि अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर तो अभी टीम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको शायद इतने क्लियर ना हो तो यू कैन जस्ट रीड इट फॉर नाउ अभी आप इन्हें सिर्फ पढ़ लीजिए इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह अगले चैप्टर में लेके जाएंगे जब हम इसके ऊपर टीम मैनेजमेंट पर बात करेंगे तो टीम की तरफ क्या जिम्मेदारी है लीडर ने टीम के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना होता है कल्चर ऑफ द ग्रुप को एस्टैब्लिश करना होता है एथिकल स्टैंडर्ड्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी होती है जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट द टीम मेंबर He is responsible to change the balance or membership of team whenever necessary. इसका काम होता है टीम इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को डेवलप करना टीम मोरल हाई करना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कलेक्टिव स्किल्स को डेवलप करना कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना तो ऑल ऑफ दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लीडर टुवर्ड्स हिज टीम ये भी स्किल्स है सो दीज आर ऑल्सो द स्किल्स अ लीडर शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन ये भी वो स्किल्स है जिन पे लीडर को ग्रिप होनी चाहिए कमांड होनी चाहिए लीडर मस्ट बी एबल टू मैनेज द टीम एज अ होल एंड देन कम्स इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स की तरफ लीडर की क्या जिम्मेदारी है लीडर शुड अंडरस्टैंड कि टीम मेंबर्स की पर्सनालिटी क्या है उनकी स्किल्स क्या है उनकी नीड्स क्या है उन्हें पर्सनल लेवल पे असिस्ट करे उन्हें सपोर्ट करे उन्हें प्रेज करे तारीफ करे उन्हें रिवॉर्ड दे एग्री करे उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ये एमबीओ का प्रोसेस है इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करें उनकी गोल्स उनकी ऑब्जेक्टिव्स उनकी स्ट्रेंथ को पॉसिबली यूज करें उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करें एज जस्ट डिस्कस उनको डेवलप करें उन्हें ट्रेन करें ये सारा काम एक लीडर इंडिविजुअल मेंबर्स की तरफ करता है दैट इज हाउ द लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टीम सो एक काबिल लीडर जो होता है अकॉर्डिंग टू अडेयर सेक्शन स्टैंडर्ड ही मस्ट हैव दीस स्किल्स इन ऑल ऑफ दीस थ्री डायमेंशंस और यही क्वेश्चन था पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछा गया था 8 नंबर के सवाल में लिस्ट द लीडरशिप स्किल्स ही माइट रिक्वायर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड अबाउट कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर है ये पूरा टेबल आपने प्रोड्यूस करना है दिस दीज 8 मार्क्स फॉर दिस होल टेबल So you can again make some acronym to keep these points memorized. The more the better. जितने ज़्यादा reproduce करेंगे points उतने marks ज़्यादा score करेंगे. 8 marks में examiner की expectation थी कि आप ये पूरा table reproduce करें. For 8 marks, examiner expected that this whole table should have been reproduced. तो leader का जो emphasis होता है वो तीनों skills पे होता है. दो ये skills vary कर सकते हैं intensity में. यानी ये मुमकिन है कि किसी लीडर के इंडिविजुअल स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं किसी लीडर के टास्क ओरिएंटेड स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं किसी लीडर के पीपल ओरिएंटेड स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ये वेरिएशन हो सकती है बट यू हैव टू ट्रेन अ लीडर टू बी इफेक्टिव टू एबल टू मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल फॉर इंस्टीट्यूशन अ लीडर मस्ट बी ट्रेन्ड एनफ अ लीडर मस्ट बी स्किल्ड एनफ के वो इन सारी सिचुएशंस में एप्रोप्रिएटली डिसीजन मेकिंग कर सके अडेयर के मॉडल का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अडेयर 50-50 रूल अडेयर कहते हैं अडेयर एक फॉर्मूला देता है सक्सेस का अडेयर गिव्स अ फॉर्मूला ऑफ सक्सेस अडेयर कहते हैं कि कामयाबी जो है उसमें लीडरशिप का रोल 50% होता है और 50% जो है वो टीम से आती है अडेयर का 50-50 रूल ये कहता है
कि किसी भी गिवन सिचुएशन में 50% मोटिवेशन इंडिविजुअल से आती है और 50% मोटिवेशन लीडर से आती है, आउटसाइड से आती है. इसी तरह 50% सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग लीडर करता है और 50% सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग जो है वो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स पे डिपेंड करती है. अ डेयर 50-50 रूल सेड दैट 50% ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम द लीडर एंड 50% मोटिवेशन कम्स फ्रॉम हिमसेल्फ. 50% successful team building depends upon the leader and 50% successful team building depends upon the individual members of the team. इसे कहते हैं अडेयर 50-50 रूल. इसी मॉडल को सामने रखते हुए मुझसे एक दफा एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर अडेयर का 50-50 रूल सही है तो हमें तो सिर्फ 50 नंबर चाहिए पेपर पास करने के लिए, तो इट मीन्स कि ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर पास करवा. हमारे 50 नंबर तो खत्म हो गया फिर तो, वी ओनली नीड 50 मार्क्स, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट आवर पेपर क्लियर. तो आई रिप्लाइड कि बेटा अगर 50 आपका टारगेट है फिर उसका 50% 25 मेरी जिम्मेदारी है, 25 आपकी जिम्मेदारी. 50-50 रूल आप जिस मर्जी लेवल पे अप्लाई करें, इफ यू जस्ट नीड 50 मार्क्स देन 25 मार्क्स बीइंग अ टीचर एंड अ लीडर एंड अ मेंटोर 25 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी है बट द रिमेनिंग 25 इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप कोई भी स्केल बना लें 100% लेना ना, उसका 50% लीडर से आता है और 50% उसका सबॉर्डिनेट से आता है. 50% लीडर कंट्रीब्यूट करता है टीम इफेक्टिवनेस के अंदर. अगर कोई टीम मैच हारती है तो 50% जिम्मेदारी कोच की है, 50% जिम्मेदारी टीम की है. ठीक है, इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाता, इफ एन इंडिविजुअल फेल्स टू परसू हिज और हर गोल्स, तो 50% सक्सेस या वो जो अनसक्सेसफुल हो रहा है वो 50% लीडर्स की तरफ से आ रहा है और 50% वो जो फेलियर है वो टीम मेंबर्स की तरफ से आ रहा है. इसे कहते हैं अडेयर 50-50 रूल. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल गुड. चलें, टेस्ट कल अपलोड हो गया होगा, रिकमेंड के सबमिट करवा दें जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया. दो मैंने कल शाम तक का टाइम अनाउंस किया था, बड़ा वुड रिकमेंड कि जिसने आज भी देना वो दे के सबमिट करवा दें. ठीक है, ओके, एग्जैक्टली. नहीं, टेस्ट कहाँ तक था? उसमें रिवॉर्ड सिस्टम का क्वेश्चन नहीं था कोई ना? There was no question on reward system. Okay, I'll check. मैं देखूंगा. बस मैंने तो उसे टेस्ट आई थी तो अपलोड करा दिया. उसमें रिवॉर्ड सिस्टम का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था. चलें, I'll check it. Don't worry. चलें, अच्छी बात है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हम उसे फिर पार्ट टू में ऐड करेंगे. It was only McLaren. No, not necessarily. I didn't see the test yet. मैं देखता हूँ उसमें कौन से उसने वो क्वेश्चन दिए थे. Actually, I have already given a pool of questions to the team. तो मुझसे डिस्कस करके उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक कर लिया करते हैं. But I haven't seen the test. I'll see कि कितना डोमिनेंट था उसमें McLaren का पोर्शन. Okay, so this was Adair's action centered a paper point of view से बड़ा important topic है. Before we move to Warren and Benny, there is another video to be played today for you people. Second chapter की मतलब अगली video है जिसमें आपको सारे जो models हैं pestle के, sort के, उनको आप acquire कर लेंगे. So I ask the IT guy के वो video थोड़ी सी play कर दे आपके लिए. अगर time बचा तो फिर हम Warren Bennie discuss करेंगे, वहाँ पर हमसे कल कर लेंगे. कल इंशाल्लाह Warren Bennie अगर आ जाएंगे उससे कहते, कल Warren Bennie करेंगे, John Carter करेंगे और Ronald Heaps. तो कल हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंक्लूड कर लें. अगर एक रॉनल्ड हीप्स ना भी हो पाया तो हम Warren Bennie और जॉन कॉटर तक कर लेंगे. फिर हम चैप्टर को सैटरडे को फ्राइडे को माइंड अप कर लेंगे. वी विल सी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी आस्क द आईटी पर्सन. वो वीडियो प्ले कर दो बस. हां, हो गया.
हाँ कर दो environment of an organization, and then the consequences of environmental change. Let's start with the environment of an organization. The environment of an organization is anything outside an organization that affects what it does or how it acts. There are many influences on an organization that come from pressures and changes. Welcome PAC students to the subject Business Management and Behavioral Studies.
In this video, we shall discuss a subtopic of management concepts called the business environment. Management concepts constitute 25% of ICAP syllabus grid. In this video, we shall cover the following topics of the business environment. Number one, the nature of environmental influences. And number two, political and legal factors affecting business. In the nature of environmental influences, we shall discuss two factors. Firstly, the environment of an organization. And then, the consequences of environmental change. Let's start with the environment of an organization. The environment of an organization is anything outside an organization that affects what it does or how it acts. There are many influences on an organization that come from pressures and changes in its environment. One method of analyzing environmental factors influencing the organization is called best analysis. In a best analysis, we consider the political and legal factors, economic factors, social, cultural, and demographic influence, and technological factors. In the modern business world, environmental factors and legal factors are also considered by organizations, which transform the best analysis into a best analysis. A second method of analyzing the environment within which a firm operates is Michael Porter's 5 Forces model. This topic will be covered in detail in a separate video. Now, let's move to the consequences of environmental change. Environmental factors can have a significant effect on a business organization and can affect its activities and profitability. Changes in the environment might affect the planning and other decision-making of a business organization. Management should monitor developments in the business environment and need to consider how the organization should respond to changes and developments. This type of analysis is sometimes called an environmental scan. When making an analysis of the business environment for an organization, the initial task is to identify factors in the environment that create threats or opportunities. Threats are factors in the environment that might prevent the organization from achieving its business objectives. And opportunities are developments that provides opportunities for the organization to achieve its objectives more successfully. Organizations should consider measures for reducing or removing significant threats. Now let's discuss our second topic, political and legal factors, in which we shall discuss the following 8 factors. 1. The scope of political and legal influence on business. 2. Sources of legal authority. 3. Employment law. 4. Health and safety law. 5. Data protection law. 6. Competition law. 7. Consumer protection, and 8. Responding to political and legal developments. Firstly, we shall start with the scope of political and legal influence on business. Political and legal factors that might affect business include 1. Nationalization of industry and privatization. 2. Transport and infrastructure. 3. Education. 4. Environmental policy, and 5. Taxation and subsidies. Now, we will move forward to sources of legal authority. The sources of legal authority vary between countries, but usually include the following. The first source is supranational bodies, which is a body that has responsibility or oversight of more than one country. For example, in accounting, the International Accounting Standards Board is able to impose standards rules for financial reporting on companies in every country. Other examples are the European Union, the World Bank, and the United Nations. The second source is national government, and the third source is the regional or local government.
the local government may exercise powers delegated to it by the national government or if it has some independence from the national government. Now, let's proceed towards employment law. The purpose of employment law is mainly to provide protection to employees against unfair treatment or exploitation by employers. Business organizations, as employers, need to be aware of the employment law in each country in which they operate and understand the consequences of breaking the law or failing to comply with regulations. Following are some aspects of employment law. 1. Minimum wage. 2. Working conditions. 3. Unfair dismissal. 4. Redundancy. And 5. Discrimination. Our fourth area to discuss. Thank you.